पार्टी के ऊपर जो प्यार दिखा है, इसके लिए मैं सबसे पहले तहे दिल से आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। दो दिन से पत्रकारों का फोन आ रहा था कि जो आज मीरा भाईंदर में जिला अध्यक्ष चेंज के बारे में जो सब किसी को ऐसा लग रहा था अफवाह है करके, लेकिन व्हाट्सएप पे लेटर भेजने के बाद जो चर्चा चालू हो गई, उसके लिए मैंने बोला मेरे ये जो कार्यकर्ता उनकी जो भावना है, वो कार्यकर्ता आज दो दिन से मेरे ये कार्यालय में 12:30 बजे तक रात को बैठे हुए रहते। आज मैं किसको क्या जवाब दूँ, लेकिन मैं आदरणीय शरद चंद्र जी पवार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं इनको मानने वाला कार्यकर्ता हूँ, उनके पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, और आज पवार साहब के ऊपर विश्वास रखे ही हम आगे बढ़ रहे, और आगे बढ़ते टाइम अगर ये जो अचानक सो हमला ही बोलेंगे हम, हमला हो गया। आज मैं अजीत दादा, सुप्रिया सुरे, जयंत दादा, इन लोगों को मानने वाला कार्यकर्ता, एक ग्राउंड लेवल में कार्यकर्ता का काम करते टाइम आज जो अचानक ये सब प्रसंग मतलब जो हुआ जिला अध्यक्ष चेंज करने का, एक मुझे अगर विश्वास में लेके ये सब करते तो एक मुझे आनंद होता था। आज 2017 में जो सब पार्टी छोड़ के गए थे, मेरे कार्यकर्ताओं की भावना आपने देखा होगा, मैंने किसी को बोला नहीं कि बाबा आप लोगों को कि जो कुछ भी जिला अध्यक्ष हुआ है अच्छा है बुरा है मुझे मालूम नहीं है। मैं कल शरद चंद्र जी पवार साहब को मिल के आया हूँ, हमारे आदरणीय नेते, तो उसके बाद मैं सुप्रिया ताई सुरेश जी को मिल के आया हूँ, अभी मैं वेट कर रहा हूँ अजीत दादा का, अजीत दादा को मिलूँगा, जयंत दादा को मिलूँगा, मैं उनको पूछूँगा कि अचानक ऐसे क्या हो गया कि जैसे बीजेपी की सत्ता, जो आपको मालूम है महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार जो सुबह सुबह 1:08 बजे के पहले सत्ता स्थापन किया हुआ था, ये किसी को मालूम नहीं, अंधेरे में सब जो काम किया उन लोगों ने, वैसा ये नियुक्ति पत्र भी आज जो जिला अध्यक्ष का दिया वो किसी को मालूम न होते, ये इतना क्या कारण पड़ा कि अब अचानक जिला अध्यक्ष चेंज करने जैसा, और वो भी अगर करना था आप लोगों को, पार्टी को लगता है सक्षम है करके, सक्षम है पार्टी को, हम भी जानते हैं कि नए नए लोग आने चाहिए पार्टी में, नए लोग आएंगे तभी पार्टी बढ़ेगी, और हमारे से भी अगर सक्षम था तो आज सब जो हमारे जूने कार्यकर्ते 2017 से जो ये जहाज को डुबा के चले गए थे और जान अपनी बचाते टाइम जैसे चूहे होल जहाज को पाड़ के गिरा के निकलते, वैसे उस टाइम 2017 में इन लोगों ने वही किया। जहाज उनको मालूम पड़ा कि ये डूब रहा है जहाज है, तो अपनी अपनी जान बचाने के लिए खुद ही मारा इन लोगों ने समुंदर में और खुद चले गए, लेकिन हमने नहीं, हम वही जहाज के ऊपर रह के वहाँ पे जहाज हमने साइड में लाया और उसको रिपेयर किया, कहा टूटा था फूटा था ना, हमने रिपेयर किया, छोटे मोटे कार्यकर्ता 15-20 जो थे बचे हुए उन लोगों को लेके, और जहाज जैसे ही ये बड़े पैगामे पे टाइटैनिक के रूप में जैसे तैयार हो गया, वैसे ही ये लोग जो गए थे 2017 में ये वापस आ गए, वापस आए, चलो स्वागत है तो भी तुम लोग का, लेकिन बड़े नेते वो लोगों को अगर मंत्री लोगों को लग रहा है कि जो जिला अध्यक्ष आज बनाया है उनको लग रहा है कि छवि अच्छी है उनकी है, साफ सुथरा छवि वाला जिला अध्यक्ष हमने बनाया है, तो चोरी चुपके जिला अध्यक्ष बनाने की क्या जरूरत थी। जुने लोग जो थे आज जितने बड़े पैगामे में मीरा भाईंदर में कार्यकर्ता जुड़ा हुआ है पार्टी में, फ्रंटल सेल के जिला अध्यक्ष आज 23 हो गए है, आज जिले का कमेटी 40 लोगों का है, ब्लॉक अध्यक्ष 13 हुए है, वार्ड अध्यक्ष 95 है, और आज बूथ अध्यक्ष जो है वो 350 के इसमें बूथ अध्यक्ष है आज 640 में से। अगर इतने बड़े पैगामे पे संगठन बांधने के बाद इन लोगों को विश्वास में लेके जो कुछ भी आप लोगों को बनाने का था ना, इन लोगों को बोलना चाहिए था आप लोगों ने, चलो जिला अध्यक्ष हम चेंज कर रहे करके। मैं पक्ष श्रेष्ठि का आदेश मानने वाले में से कार्यकर्ता हूँ, मैं कभी भी पक्ष श्रेष्ठि के विरोध में कभी नहीं गया और ना भविष्य में जाऊंगा, जब तक पवार कुटुंबीय यहाँ पे पार्टी का नेतृत्व कर रहे तब तक मैं मरते दम तक मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता करके ही रहूंगा। लेकिन एक मन में जो लगी बात, आज कितने दिन से पत्रकार पूछ रहे थे, मेरे कार्यकर्ता पदाधिकारी पूछ रहे थे, इन लोगों को मैं जवाब क्या दूँ। आप लोग कितना दिन से मुझे फोन कर रहे थे पिंडुरकर साहब ऐसे कैसे हो गया करके, मुझे भी मालूम नहीं, तो मैं आप लोगों को जवाब भी क्या दूँ। लेकिन इतनी ही जो नाराजगी आज मेरे पक्ष श्रेष्ठी के ऊपर नहीं, पवार साहब ने क्लियरली बोल दिया, कल मिलने के लिए गए थे हम सुबह उनको, तो पवार साहब ने भी बोल दिया कि ऐसे कैसे हो गया, पवार हम जयंत पाटिल तो दौरे पे है तो नियुक्ति पत्र किसने दिया, उनका सही कैसे हो गया, तो बोला साहब वो मालूम नहीं हमें है, वो व्हाट्सएप पे हमको भेज दिया तभी मालूम पड़ा कि जिला अध्यक्ष चेंज हो गया करके। लेकिन जिला अध्यक्ष चेंज किया तो उन्होंने क्लियर बोला कि 15 दिन में पक्ष प्रवेश करने वाले को जिला अध्यक्ष कैसे बनाया, गलत है वो,
अगर ये बड़े साहब अगर बोल रहे गलत है, हमको विश्वास है हमारे नेतृत्व के ऊपर, नेतृत्व जो आदेश आगे देंगे हमको वो हिसाब से हमारा कार्यकर्ता सब काम करेगा, नहीं अगर विश्वास रहेगा उन लोगों को हमारे ऊपर, तो आगे देखा जाएगा। सब कार्यकर्ताओं को मीटिंग लेके बात करेंगे से पदाधिकारी से आगे भविष्य का रणनीति क्या करना है वो, क्योंकि आज यहाँ पे ग्राउंड लेवल में काम करने वाला कार्यकर्ता ये पार्टी में जुड़ा हुआ है, और कोई भी बाहर से अगर आता है यहाँ पे और ये लोगों के सर पे बैठना चाहता है और डायरेक्ट अगर उसको मुकुट दिया जाता है, ताज सोनेरी मुकुट अगर पहना जाता है, तो कहाँ ना कहाँ ये कार्यकर्ताओं के भावना जो है उसका तो गलत ये निकलेगा ही है। तो भी मेरे कार्यकर्ताओं को संयम रखने के लिए बोला है आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब, सुप्रिया सुरेता जी, दादा अजीत दादा है, इन लोगों के ऊपर विश्वास है हमें। अजीत दादा का काम हमने देखा हुआ है, उनको ये विषय मालूम भी नहीं, हम सब मिलने के लिए उनके पास जाने वाले हैं। उसके बाद जो कुछ भी रहेगा सामने दोबारा हम आपके पास मीरा भाईंदर महानगर पालिका कक्ष में आके आप लोगों से बात करेंगे। मैं लीगल आऊँगा, मैं आप लोगों के पास है, आप लोग प्रेम दिखाया यहाँ पे है मेरे ऊपर है या मेरे पार्टी के ऊपर है, इसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। ऐसे ही प्रेम लास्ट तक मेरे पार्टी के ऊपर मेरे ऊपर रखिए। बाकी मेरी कुछ गलती, जैसा कि हमारे पदाधिकारियों ने भी आपको पहले भी बताया है कि ये समाजकरण राजकरण नहीं हुआ, ये व्यापारीकरण हो गया है, इनके साथ व्यापार कर दिया गया है। किसी बिजनेस डील के सिलसिले में इन्होंने जिला अध्यक्ष को, एक जो ईमानदार जिला अध्यक्ष था उसको हटा दिया, जो कि ये मतलब इनके लिए बिजनेस करना इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया कि इनको समाजकरण और लोगों में जो जो लोगों का प्रतिनिधि जो लोगों की सेवा करता है वो सबको इन्होंने साइड करके, पार्टी की जो विचारधारा उसको एक साइड में रख के इन ये सब अपनी विचारधारा पे पार्टी को ले जा रहे हैं। और जैसा कि मैंने आप लोग को पहले भी बताया कि इसमें हमारे पार्टी से या हमारे वरिष्ठों से कुछ लेना देना नहीं है, कुछ स्थानिक जो यहाँ के लीडर हैं जिनको मीरा भाईंदर की कमान दी थी संभालने, ये सब उनकी राजनीति है। और ये जो मुद्दा है ये यहाँ तक ही नहीं रहेगा, मुद्दा बहुत आगे तक जाएगा, और जितना हो सकेगा एक ईमानदार आदमी के लिए हम लड़ेंगे। क्योंकि आज जो संगठन हमारा जो जुड़ा हुआ है, आज संगठन में एक सब सामान्य कार्यकर्ता है, जो 2017 में जो पार्टी का जो हालत था और आज 2020 में जो पार्टी का हालत है। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, इतने दिन पद खाली हुआ, इतने दिन से पद खाली था तो किसी ने हिम्मत या डेरिंग नहीं दिखाई कि मैं आके ये पद ले लूँ, मैं कर लूँ। जैसे ही एक साल हुआ पेंडुलकर साहब को पद लेके और जैसे संगठन बढ़ने चालू हुई, आज हमारे पास 24 से 25 जिला के फ्रंटल सेल के जिला अध्यक्ष है, आज हमारा ब्लॉक रेडी है, आज हमारा वार्ड रेडी है, हमारे यहाँ तक आधा से ज़्यादा बूथ भी रेडी है। तो जैसे इन्होंने देखा कि आज पार्टी तो वापस जोर पकड़ी, मजबूती है, तो अच्छे अच्छे एजुकेटेड लोग, वकील लोग, डॉक्टर लोग, टीचर्स आज सारे हमारे संगठन के साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि ये जो नेतृत्व है बहुत समान नेतृत्व है, लोग ये चीज़ को देख के हमारे तरफ अट्रैक्ट होते हैं। संतोष पेंडुलकर का जो काम करने का तरीका है, जो उनका काम करने का स्टाइल है और जो लोगों के लिए वो खड़े होते हैं, तो इन्हों लोग इन्हें अपने बीच का एक समझ के इनके साथ खड़े उठे। तो आज ये सारी चीज़ों को देखते हुए जो इन लोगों ने राजकरण किया हुआ है, क्योंकि मेहनत करे कोई और कुर्सी पे बैठे कोई और, ये ऐसा यहाँ आज सीन क्रिएट हो चुका है। लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं होगा, मैं मीडिया के माध्यम से हमको हमारे वरिष्ठों पे पूरा भरोसा है कि पार्टी की जो विचारधारा उस पर हमें पूरा भरोसा है। पवार साहब और पवार साहब का जो कुटुंब है कभी हम लोग के साथ अन्याय नहीं होने देगा है, वो सब प्रोग्राम सक्सेस की। अब पार्टी एक अपने हुरूज में आई है तो ये चोर लोग है, और ये चोरों की पूरी टोली है, एक चोर नहीं है, एक चोर तो इतना बड़ा चोर है जो 15 साल से जिला अध्यक्ष था, वो सबसे बड़ा चोर, ये चोर का असिस्टेंट, ये 16 साल तक ये था, और ये चोरों की टोली वापिस आने लगी है। अगर क्योंकि इनके पास दूसरा रास्ता भी नहीं, अगर ये यहाँ पे नहीं आएंगे तो जाहिर से बात है ये अरेस्ट हो जाएंगे, इनके ऊपर केसेस इतने बड़े बड़े घोटाला, और घोटाले भी ऐसे वैसे नहीं। एक हमारे ऐसे चोर है जो 15 साल तक जिला अध्यक्ष थे, उनने बच्चों का निवाला तक छीन लिया 7.5 करोड़ का, अपने कॉलेज में उनने घोटाला कर दिया। और इनसे दूसरे चोर जो लेटेस्ट में आए हुए, वो आधार कार्ड नौकरी के नाम पे, वो बड़े चोर। अब चोरों की टोली वापस आ गई, हमारे यहाँ पे कोई भ्रष्ट नेता से होटल की डील हुई और सीट को ले लिया अचानक, और नियुक्ति लेटर उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। लेकिन हम वो लोग हैं अपने हक के लिए लड़ते, पवार साहब के, अजीत दादा के पास ये बात गई है, वहाँ पे जो रिप्लाई आएगा, क्योंकि उन लोगों को नहीं पता ये क्या हुआ है। लेकिन ग्राउंड लेवल जो लोग हैं, जिन लोगों ने पद में लाने में सपोर्ट किया है, फिर चाहे कोई भी हो, कितना भी बड़ा नेता हो, कोई भी हो, भ्रष्ट चाहे गलत किया, तो फिर जन आंदोलन करना पड़ेगा। चुकीचं होतंय, 80% समाजसेवा न करता 80% राजकारण आणि 20% समाजसेवा असे करण्याचं काम चालू झालेलं आहे मीरा भाईंदर मध्ये।
ह्या गोष्टीचं मला फार दुःख होतं. आपले माननीय पवार साहेब सर्वसामान्य जनतेला सर्वधर्म समभाव घेऊन चालणारे हे असं व्यक्तिमत्व आहे. माननीय पेंडुलकर सरांनी ज्या वेळेला 2017 पासून जे इलेक्शन लढलं आणि त्या इलेक्शनामध्ये जी पडझड झाली पक्षाची, हेच ते लोक होती की आपले नगरसेवक घेऊन दुसऱ्या पक्षात गेले, तिकडून त्यांना जिंकून आणलं आणि आपल्या राष्ट्रवादी पार्टीचं पाणीपत केलं. आणि पाणीपत करत असताना चौथ्या फळीतले आम्ही कार्यकर्ते माननीय पेंडुलकर सर यांना घेऊन राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची आम्ही निवडणूक लढलो. आणि त्यानंतर पक्षाकडून कोणत्याही पद्धतीचं सपोर्ट नसताना, कोणतंही लक्ष नसताना माननीय पेंडुलकर साहेब अतिशय सर्वसामान्य घरातली व्यक्ती आहे. त्यांना कधीही पक्षाकडून किंवा कोणत्याही टेंडर मिळालेले नाहीये किंवा ते अतिशय श्रीमंत व्यक्ती नाहीये. त्यांनी स्वखर्चांनी पक्षासाठी काम केलं, आंदोलन केलं. आम्हाला मीरा भाईंदरमध्ये 2 वर्षापासून जिल्हा महिला अध्यक्ष नव्हत्या, तरी सुद्धा आम्हा महिलांना त्यांनी मान सन्मान देऊन, मी तुम्हाला सांगू इच्छिते ह्यापूर्वीही मी वार्ड अध्यक्ष होती, परंतु आजपर्यंत मला कधीही कोणत्या मीटिंगमध्ये किंवा ह्या पक्षामध्ये मीरा भाईंदरमध्ये मान सन्मान मिळाला नाही. परंतु माननीय पेंडुलकर सरांनी प्रत्येक व्यक्तीला मान सन्मान देऊन खांद्याला खांदा लावून आम्ही महिला त्यांच्याबरोबर काम करत होतो आणि आम्हा महिलांना इतकं प्रोत्साहन मिळत होतं. परंतु अचानक जे नवीन जिल्हाध्यक्ष आणले त्यांच्यामध्ये असं काय छबी बघितली की राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीने ज्या जिल्हाध्यक्षांना तुम्ही नियुक्त केले त्या जिल्हाध्यक्षांची काँग्रेसमधून हकालपट्टी केली, ते किती भ्रष्टाचार केले, काय केले हे वरिष्ठ नेत्यांना सांगण्याची गरज नाही आहे, ते त्यांना माहिती आहे. परंतु इथे सर्वसामान्य कार्यकर्ता सर्व का असामान्यांची सगळी भावना दुखावली गेली. पक्षाला मी एवढंच सांगू इच्छिते की आपल्या वटवृक्षाखाली भले भले मोठे झाले, भल्या भल्यांना तुम्ही आमदार खासदार 15-15 वर्ष सत्ता दिली, मग सर्वसामान्य कार्यकर्ता माननीय पेंडुलकर साहेब मोठे झालेले तुम्हाला आवडलं नसतं का? त्यांना तुम्ही पक्षाने असं काय दिलं होतं की ते तुम्ही त्यांना विश्वासात न घेता? पक्षामध्ये चढउतार होत असतो, नवीन लोक येणं जरुरी आहे. नवीन लोक आल्याशिवाय पक्षाची फळी म्हणजे पक्ष कार्यकारिणी वाढत नाही हे मला मान्य आहे. पण ते कार्यकारिणी किंवा नवीन पक्षाची बांधणी करताना माननीय जयंत पाटील साहेबांनी आम्हाला एक आश्वासन दिलं होतं, तुम्ही पडत्या काळात आमच्या बरोबर उभा राहिलात, आमची नय्या तुम्ही अशी अतिशय अभिमानाने धरली होती. ज्यावेळेला नवीन लोक येतील त्यावेळेला तुमचा विचार केल्याशिवाय, तुम्हाला विचारात घेतल्याशिवाय आम्ही असं कोणताही निर्णय घेणार नाही. मग मी जयंतदादांना हे विचारू शकते की साहेब तुमचा निर्णय हा आम्हाला मान्य करावाच लागेल, परंतु तो मान्य करण्या अगोदर तुम्ही दिलेलं जे वचन होतं त्या वचनांची तुम्हाला आठवण करून दिली नाही का? हे हाच तो सर्वसामान्य कार्यकर्ता होता. सर क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ता को मन दुख आज हुआ है संतोष पेंडुलकर को लेकर, इसके बारे में क्या कुछ कहना? सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि जो पिछले 48 घंटे से मीरा भाईंदर के ऊपर एक नया जिलाध्यक्ष का जो व्हाट्सएप में लेटर आया था, तो सभी कार्यकर्ता संतोष पेंडुलकर जी को फ़ोन कर रहे थे, लेकिन उनको खुद को नहीं मालूम था कि क्या हो रहा है, तो वो क्या जवाब देंगे? और आप सब लोग भी उनको फ़ोन कर रहे थे, तो ये चीज़ ऐसा है कि एक नया जिलाध्यक्ष का जो प्रक्रिया होता है, जैसे 2017 में हुआ, फिर एक साल पहले जो संतोष पेंडुलकर साहब को जब भी नियुक्त किया गया, तभी अशोक पराड़कर के साहब के अध्यक्षता में वहाँ निरीक्षक थे, और निरीक्षक के अध्यक्षता में उन्होंने एक मीटिंग लिया था कार्यकर्ता का, और कार्यकर्ता में उन्होंने बोला था कि भाई जिलाध्यक्ष के लिए जो नाम है, तो उन्होंने एक नाम मेरा था, एक नाम उनका था, लेकिन सर्वसम्मति से हमने संतोष पेंडुलकर साहब को जिलाध्यक्ष बनाया, और उन्होंने मेरे को 146 विधानसभा का अध्यक्ष का पद दिया. तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो भी हो रहा है ये गलत हो रहा है. कहीं ना कहीं हमारी वरिष्ठ लोग की ये मिस्टेक है, चुकी है, भूल हो गई है, क्योंकि ये जो 2017 में 50 कार्यकर्ता से लेके आज 3000 कार्यकर्ता की फौज जो खड़ी करना, वो कोई मामूली बात नहीं है. और इसके लिए माननीय संतोष पेंडुलकर साहब ने अपना तन मन धन यह के अपना पूरा टाइम राष्ट्रवादी के लिए न्योछावर कर दिया है, और रोज जो राष्ट्रवादी में इतने कार्यकर्ता आ रहे हैं, आज हमारे जो हमारी जो टीम है 22 जिला अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष
और महिला टीम, तो ये सब लोगों ने जो आज वार्ड वार्ड में प्रभाग प्रभाग में जो अपना बूथ अध्यक्ष वार्ड अध्यक्ष और प्रभाग अध्यक्ष जो बनाया है, तो लोगों को जो हमको 2017 में छोड़ के गए थे उनको ऐसा लगा कि कहीं हम पीछे न रह जावे और ये नए लोग चांस नहीं लेके जावे, तो उन्होंने भी हमारे वरिष्ठ लोगों के पास जाके पुनः प्रवेश किया और पुनः प्रवेश करके उन्होंने एक भ्रष्ट राजनीति चालू किया कि भाई जो एक ईमानदार है, मिलनसार है और जो लोगों को लेके चलने वाला आदमी है तो उसको हटा के हम लोग ये जो रेडीमेड तैयार थाली में बैठ के हम खाना खावे ऐसा हम बोल सकते हैं, तो ये नहीं होगा। तो हम सभी कार्यकर्ता का ये एक रिक्वेस्ट है हमारे वरिष्ठ का माननीय श्री जितेंद्र आवाड़ साहब प्रभारी और हमारे निरीक्षक संतोष दादा दुवाली और समन्वय प्रमुख आनंद प्रांत पे और हमारे महाराष्ट्र प्रदेश जयंत दादा पाटिल को